नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th मार्च सेकेंड शिफ्ट मैथ्स के क्वेश्चंस, और इसके बाद एक शिफ्ट बचेगी थर्ड शिफ्ट, और ये बोझ हल्का हो जाएगा। SSC CGL 2019 के टीयर 1 के सारे मैथ्स के शिफ्ट मतलब सॉल्व करवा दिए गए होंगे, और उसके बाद बचेगा DI। ये तीनों शिफ्ट आने के बाद, मतलब इसके बाद जो तीसरी शिफ्ट है वो आने के बाद एक ही काम बचेगा, जो DI मुझे सॉल्व करवा देना है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, और जो लोग कह रहे हैं हिंदी में चाहिए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। कुछ दिन बाद जब हम कुछ प्लान कर रहे हैं, वो करने के बाद जब मैं PDF खुद एडिट करूँगा, तो मैथ्स और वो मैथ्स जो है वो अंग्रेजी हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिख के ऑप्शन भी हिंदी में कर दिया करूँगा, ठीक है? तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और अगर चैनल यूजफुल लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेना। पहले क्वेश्चन में कहा गया एवरेज ऑफ फोर टर्म्स इज 30 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ध्यान दीजिएगा, अगर रिमेनिंग टर्म्स का सम 3x हो तो पहला x है। अच्छा, इनका योग कितना हो जाएगा? 4x। तो एवरेज कितना हो जाएगा? अगर चार लोगों का सम 4x हो तो एवरेज कितना हो जाएगा? 4x/4 यानी x। और यही एवरेज दिया गया है 30। अगर एवरेज 30 दिया गया है यानी x बराबर 30 दिया गया, और हमने फर्स्ट टर्म को माना कितना है x, यही पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला DI का है, छोड़ते हैं उसके अगले पे आते हैं। कहा गया अमित ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ही ट्रेवल्ड पार्सली ऑन फूट एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्सली बाई बाइसिकल एट 10 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द बाइसिकल इज, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो, पहला तरीका देखो, हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस हमें दी गई 50, जो कि वो 9 घंटे में तय करता है, ठीक है? हम मान लेते हैं अगर ये ए दूरी पैदल चलता है तो वो साइकिल से कितना गया? 50 माइनस से। आपको पता है कि आपको स्पीड क्या दी गई है पैदल चलने की? 5। तो इस पैदल चलने में 1/5 समय लगा होगा, और 50 माइनस 1 को 10 से चलने में 50 माइनस 1/10 समय लगा होगा, और ये बराबर आपको दिया गया है टोटल 9 घंटे, ठीक है? 9 घंटे दिया गया है, ठीक है? अब एक चीज़ बताओ, अगर हम कहें कि ये दोनों समय मिलके 9 है तो कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा, यानी 2a + 50 - a, यानी 50 प्लस ए हो जाएगा, 2a + 50 - a, यानी कि 50 + a अपॉन 10 = 9, यानी a = कितना हो जाएगा? 40। तो आपसे पूछा क्या गया है कि उसके द्वारा डिस्टेंस जो बाइसिकल पे चली गई वो कितनी है, तो आप कहेंगे 50 - a यानी कि 10। तो ये तो बेसिक मेथड थी। अब हम जान लेते हैं कि और किस मेथड से कर सकते हैं। देखो, उसको समय, उसने पैदल चलते हुए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैदल चला, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइसिकल से चला, और आपको पता है 50 किलोमीटर कुल दूरी वो 9 घंटे में चलता है, यानी एवरेज कितना हो गया? 50/9। अब आप इसका एलिगेशन मेथड लगा देंगे तो 50 से 50/9 में से 5 घटाएंगे तो ये 5/9 हो जाएगा, और 10 में से 50/9 घटाएंगे तो ये 40/9 हो जाएगा, ठीक है? 40/9 हो जाएगा। एक मिनट देखिए, ये 10 - 9 = 90 - 40/9 हो जाएगा, और इधर कितना है 5 से चलने पे 9 = 45 - 5/9 हो जाएगा, यानी कि ये 40/9 और 5/9, और इनका अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो गया 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5, यानी कि जो इसने समय लिया है उसका अनुपात आ गया 8:1। समय का अनुपात कितना आ गया? 8:1, यानी ये साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1 घंटे चला है, और पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 8 घंटे चला। अगर पैदल पूछा गया होता तो 40 आ जाता, 5 × 8 = 40, और अगर साइकिल से पूछा गया तो 10 × 1 = 10, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो कई सारी मेथड्स हैं, आप जिससे करना चाहें। कहा गया व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन एन नंबर्स देन द सम ऑफ नंबर्स सो ऑब्टेंड इज 102, ठीक है? व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देन देन द सम ऑफ नंबर्स सो ऑब्टेंड इज 12, क्योंकि व्हाट इज द एवरेज ऑफ गिवन एन नंबर्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि अगर 2 सब नंबर्स से घटा लिया जाता है एन नंबर्स में से, तो उनका जो सम है वो 102 मिलता है, यानी कि अगर एन संख्याओं का सम एस है तो उसमें से एन संख्याओं में से 2 घटाया जाएगा, यानी 2n घटा लिया गया तो हमें दे दिया गया 102 हो गया। और कहा गया जब 5 घटाया जाता है, यानी सम में से 5 घटाया जाता है, तो ये 5n घटाया जाता है तो हमें मिलता है सम 12। तो आपसे कहा गया एवरेज ऑफ n नंबर्स कितना होगा। अब देखिएगा, आपको इसका मतलब s फाइंड करना है। s अगर फाइंड करना है तो इसमें करिए गुणा 5 से, इसमें करिए 2 से, फिर घटा दीजिए, यानी 3s बराबर हो जाएगा 510 - 24। 510 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 510 - 24, ठीक है, 486 हो गया, यानी s = हो गया 162।
एस इज इक्वल टू हो गया 162। अब एस बराबर 162 हो गया तो यहाँ से एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2n बराबर 60, यानी n बराबर हो जाएगा कितना 30, n बराबर 30, n 30 है यानी 30 संख्याओं का योग 162 है, तो आपको एवरेज निकालने कहा गया, तो 162 बटे 30 यानी 5.4। खत्म। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह गया 2 sin 22 upon cos 68 माइनस 2 cos 75 upon 5 tan 15 माइनस इतना 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 बटे 5। अब ध्यान दीजिएगा, दो तीन फार्मूले जो पता नहीं कब से बताता आ रहा हूँ कि साइन इज इक्वल टू कॉस भी होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90, ठीक है, टेन ए बराबर कॉट भी होता है अगर ए बराबर ए प्लस बी बराबर 90 हो, और आपको ये भी बता दूँ टेन ए इंटू टेन बी बराबर भी 1 होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90, ठीक है। यही चीज़ टेन ए बराबर 1 upon tan b, टेन बी का गुणा हो जाएगा, तो यही चीज़ ये भी लिखा है। अब देखिए ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये कट जाएगा 2/5 बचेगा, यहाँ पे देखिए टेन 20 टेन 70 टेन 40 टेन 50 ये मिलके 1 हो जाएंगे, 8 tan 45 1 हो गया, यानी कि आपका बचा कितना 2 - 2/5 और -8/5, यही तो बचा, और 2/5 और 8/5 यानी ये माइनस माइनस दोनों के आगे लगा है, दोनों एक ही जगह से ठगे गए हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा 2/5 + 8/5 यानी कि 10/5, माइनस लगा यानी -2, 2 - 2 0। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि ये मैन वांटेड टू सेल हिज बैट एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, हिज ब्रदर हु वाज अ क्रिकेटर वांटेड टू बाय द बैट, सो द मैन सेल्स इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इन दिस डील द मैन रिड्यूसेस 70% इन प्रॉफिट, व्हाट वाज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बैट। ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट वैल्यू 100 होती तो उसने कितने पे देना था, 8% डिस्काउंट पे देता, 8% डिस्काउंट यानी 92 पे देता, ठीक है। अब कहा गया कि उसने चूँकि उसके वो अपने भाई को बेचता है, मतलब भाई को देता है, तो वो क्या करता है 10% डिस्काउंट दे देता है, यानी कि 2% डिस्काउंट उसको ज़्यादा दे देता है, और इससे क्या होता है 70 रुपये उसके प्रॉफिट में कमी आ जाती है। अब एक चीज़ बताइए, 2% कमी करने पे 70 रुपये की कमी, यानी 1% बराबर 35 रुपये हो जाएगा, और हमने मार्केट प्राइस 100% मानी थी, यानी कि ये हो जाएगा 3500 रुपये, यही पूछा गया था। क्वेश्चन 17 लाइन का, आंसर 1 लाइन का। कह गया इफ़ 5 डिवाइडेड द इंटीजर एंड द रिमाइंडर इज 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5। ध्यान दीजिएगा, कह गया n को अगर 5 से डिवाइड किया जाता है तो कुछ भागफल आता है और रिमाइंडर 2 आ जाता है। हम मान लेते हैं भागफल 1 आता है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 * 5 = 2 = 7, 7 हो गया n की वैल्यू, ठीक है। और कहा गया व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5, तो देखो 7n यानी कि 5 * 7 = 49 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5 * 9 = 45, तो ये 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अच्छा अगर मैं आपसे यहाँ कहता कि यहाँ पे 0 भागफल हो, यानी 2 सबसे छोटी संख्या होगी जिसको 5 से डिवाइड करने पे 2 शेषफल होगा, यानी n बराबर हो जाता 2, n बराबर 2 तो 7 * 2 = 14, 14 में 5 से डिवाइड करते 4 आ जाता फिर भी, ठीक है। तो आपको समझने के ऊपर है कि आप कैसे समझ पाते हैं। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा लिखा हुआ है, कहा गया ए बी सी 24, 16 और 32 दिन में करते हैं, हम लिख दे रहे 24, 16 और 32, ठीक है। अब देखो 24, 16 और 32 का अगर हम एलसीएम ले तो हम कहेंगे जी 96 ले लो सबसे बढ़िया रहेगा, 24 4 करेगा, 16 6 करेगा, 32 3 करेगा, ठीक है, 32 वाला 3 करेगा। अब कह गया ए और सी स्टार्ट करते हैं और 6 दिन तक कार्य करते हैं, यानी 4 * 3 = 7 करते हुए 6 दिन कर दिए, 42 हो गया, अभी बचा है आपका 54 कार्य। कहा गया देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई बी टू कम्प्लीट द रिमेनिंग टास्क, बी करता है 6, 54 करना है, 9 दिन लगेंगे। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना था। अब इसमें क्या था, 11 में 11 भाग करेंगे 121 - 1 = 120 और 11 = 131, पढ़ते ही आंसर कर सकते थे। कहा गया एक्स वाई जेड आर 3 नंबर सच दैट इतना बराबर एक्स प्लस वाई इतना, वाई प्लस जेड इतना, जेड प्लस एक्स इतना, तो आपसे एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपान एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी गई, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 13 * 15 = 28 = 16 = 44 का आधा 22। अब देखो यहाँ से हमारा जेड मिल जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 9, यहाँ से एक्स मिल जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 7, यहाँ से हमें वाई मिल जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 6। अब वैल्यू जिसकी पूछी गई है सॉल्व करिए, एक्स वाई यानी 42 प्लस एक्स जेड यानी कि 63 अपन एक्स वाई जेड यानी 9 * 7 * 6 यानी ये 14 हो गया, ये 21 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 14 * 21 = 35 / 9 * 63 = 126 / 7 * 5 = 35 / 7 = 18 = 126 आपका आंसर हो गया 5/18। कहा गया ए बराबर 2b = 8c ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई, ध्यान दीजिएगा अच्छा प्रश्न है। अब अगर हम इसकी वैल्यू मान ले 8, सबकी वैल्यू 8 हो गई,
8K मान लो, तो यहाँ से a बराबर 8K हो गया, b बराबर 4K हो गया, b की वैल्यू कितनी हो गई 4K, ठीक है, a बराबर इतना आया है, एक मिनट, ये a बराबर है और c बराबर हो जाएगा 1। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ओ मतलब 1 के, तो a प्लस बी प्लस सी यानी 8, 4, 12, 1, 13, 13 के बराबर 13 यानी k की वैल्यू हो गई 1। तो आपसे वैल्यू पूछी गई अंडर रूट में ए स्क्वायर, बोले तो 64 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 प्लस सी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 2c, 2c रूट के बाहर है यानी 2 × 1, तो 64 16 कितना हो गया मेरे भाई, 64 16 हो गया, 80 और 1 81 का वर्गमूल 9/2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, DI है, छोड़ते हैं। कहा गया इन ए सर्किल कॉर्ड्स PQ and TS आर प्रोड्यूस टू मीट एट आर, इफ़ RQ इज इक्वल टू 14.4 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर एंड SR इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड TS यानी जीवा TS की लंबाई निकालनी है। इसके लिए एक सुंदर सा वृत्त होना चाहिए हमारे पास, हो गया वृत्त। अब वृत्त हो गया तो जीवाएँ भी खींच दो, दोनों जीवाएँ खींच के मिला दो बाहर, पहले जीवाओं का नाम ना रख रहे, पहले मिला देना इनको, नहीं तो ये मिलती नहीं है। PQ TS हो गया और ये R हो गया, ठीक है। अब आपको दिया क्या क्या गया है, डेटा लिख दो, RQ बराबर 14.4, ये 14.4 है, 14 लिखी दिख ही नहीं रहा कि 14 लिखा हुआ है, ये 11.2 है, ये आपका 12.8 है और ये X है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मेरा आर्ट्स बड़ा अच्छा है। अब यहाँ पे लगा दो क्या क्वाड, मतलब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी यानी छेदक रेखाओं की प्रॉपर्टी, तो ये क्या होता है RQ × RP यानी 14.4 कूड़े पूरी 25.6 बराबर x × 12.8 × 12.8 + x, बाहर वाला भाग इंटू पूरा भाग 12.8 × 12.8 + x, इतना सा कहा गया। ये कट के दो दे रहा है, 14.4 दूना कितना हो जाए 28.8, उसमें 12.8 घटेगा, 16 आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, DI है, छोड़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहे ये व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन वन राउंड, यानी कि आपको पता है कि एक व्हील कितना कवर करती है एक बार में, अगर त्रिज्या आर हो 2πr, ये दिया गया 1100, तो आपसे डायमीटर पूछा गया यानी 2r पूछा गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी 22/7 गुणे 2r इज इक्वल टू दिया गया था 1100, तो यहाँ से हमारा 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 7/22 इधर आ जाएगा, 22 से कटेगा तो 22 × 5 = 10 यानी कि 2r इज इक्वल टू हो गया आपका ये हो गया 2πr, तो 2r निकालना था, तो ये 7/22 × 5 = 25 तो ये 350 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पूछा इन्होंने डायमीटर, इन्होंने दे दिया है रेडियस, तो ये गलत है आंसर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, अगले प्रश्न पे आएंगे, DI है, छोड़ते हैं। कहे ये शॉपकीपर बाइज टू बुक्स फॉर 300, ही सेल्स द फर्स्ट बुक एट 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड बुक एट ए लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। एक चीज़ बताइए, 20% पहली बुक पे प्रॉफिट कमाता है यानी इतना जेब में आता है, और 10% दूसरी बुक का उसके जेब से चला जाता है, यानी कि पहली बुक का 20% जो आया था वो दूसरी बुक के 10% के बराबर, दूसरी बुक के क्रय मूल्य के, यानी हम कह सकते हैं दोनों बुक के उसका रेशियो कितना है 2:1, यानी पहली बुक कितनी की खरीदी गई 200 की और दूसरी बुक कितनी की खरीदी गई, सॉरी पहली बुक कितने की खरीदी गई 100 रुपये की। एक चीज़ बताइए, अगर पहले बुक का 20% दूसरे बुक के 10% के बराबर है तो दूसरी बुक 200 की हो जाएगी, पहली बुक 100 की हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक में उसने कितना कमाया था 20%, यानी 100 अगर क्रय मूल्य है तो 120 में बेचा गया होगा, काम खत्म हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगर ये सर्टेन सम अमाउंट्स टू इतना इन 2 ईयर्स एट 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली सम निकालना है। आपको पता है अगर प्रिंसिपल पी होता तो 6% की दर से 53/50 × 53/50 हो जाता है यानी 53/50² इतना हो जाता हमारा कुल अमाउंट, ये दिया गया था आपको 28.09 53² 2809 होता है यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 के बाद 20 इसके बाद 5 के बाद 20 से 50 के स्क्वायर से गुणा हो जाएगा यानी 25 के बाद 20 से, तो आपका हो जाएगा 25 के बाद 40। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया 5 cot θ = 3 और आपको वैल्यू निकालनी है 6 sin θ − 3 cos θ + 7 sin θ + 3 cos θ, साइन थीटा से ऊपर नीचे भाग करेंगे तो हो जाएगा 6 − 3 cot θ / 7 + 3 cot θ, यही वैल्यू हो गई यानी कि हो गया 6 − 3 × cot θ की वैल्यू 3/5 / 7 + 3 × 3/5, यही सॉल्व कर लीजिए तो 30 में से 9 जाएगा 21 और 35 में 9 जुड़ेगा 44।
कहा गया द वॉल्यूम्स ऑफ स्पेयर ए एंड बी आर इन रेशियो इतना एंड इतना। आपको पता है ये आर वन का क्यूब या आर टू का क्यूब, यानी आर वन आर टू का अनुपात कितना हो जाएगा 5:5:4, क्योंकि सम ऑफ रेडियाई ऑफ ए एंड बी 36 सेंटीमीटर। अब अगर अनुपात 5:5:4 है, इनका योग 36 है, तो 5 × 4 = 9, 9 = 36, यानी 1 = 4, यानी पहली त्रिज्या हो गई 20, दूसरी 16। तो कहा गया सरफेस एरिया ऑफ ए, सरफेस एरिया निकालना है ए का, आपको पता है 4πr² होता है, ठीक है जान लीजिएगा। तो r की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 और 400 चौको 1600 पाई हो जाएगा। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का 4πr² अगर रेडियस r है। कह गया फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वैल्यूम इज इतना एंड बेस एरिया इज इतना। आपको दिया गया था l इंटू बी, अगर लंबाई l हो चौड़ाई b हो तो बेस एरिया कितना हो जाएगा l इंटू बी, ये 15 दिया गया। और आपको दिया गया वॉल्यूम दिया गया l बी h दिया गया है 330, यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा 330/15 यानी 22। इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको सीधे सीधे आंसर समझ लो पूछ ले। क्योंकि अरेंज द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द ट्राइंगल हुज साइड्स आर ए बी इज इक्वल टू 7, ए सी इज इक्वल टू 8 एंड बी सी इज इक्वल टू 9। आपसे पूछा, देखो एक ट्राइंगल मैं ड्रा करता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी 7 दिया गया है, ए सी 8 दिया गया है और बी सी 9 दिया गया। अब आपसे कहा गया है कि कौन सा एंगल, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शिफ्ट करना है, यानी कि असेंडिंग आर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आपको पता है जिस एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी वो एंगल सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी भुजा किसके सामने की है, ए की, तो ए तो सबसे बाद में आएगा, सबसे बड़ा है, उसके पहले बी के सामने की भुजा, फिर उसके पहले ए की सामने और सी के सामने की भुजा, यानी सी बी ए का क्रम हो जाएगा। कहा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम माने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो कोई ट्रिपलेट ले लो, ए 3 ले लो, बी 4 ले लो और सी 5 ले लो, तो ये जगह 2 times आप ए पावर 6 कितना हो जाएगा, ए पावर 6 कितना होता है 3 की पावर 6, अब देखो कितना परेशानी वाला 729 हो गया, प्लस 4 की पावर 6, यानी कि अच्छा ये इसमें और कुछ शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, यानी इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम कैसे करेंगे, बिल्कुल ये नहीं यूज करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर दे दिया गया आपको, ठीक है इतना सा समझिएगा, क्यूब कर दीजिए, तो ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 प्लस 3 times ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर, ये बराबर हो गया सी के पावर 6, यही तो हो गया, यानी ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 माइनस सी पावर 6 बराबर हो जाएगा माइनस 3a² b² c², यही तो हो जाएगा, समझिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर के बराबर है, तो आपको पता है ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 प्लस 3 times ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 times ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी पावर 6। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर पुट कर देंगे, यानी ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 प्लस 3 times ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर हो गया सी पावर 6। और आपको निकालना है ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 माइनस सी पावर 6, तो ये इसको इधर ले आएंगे तो ये बच जाएगा माइनस 3a² b² c², और आपको पता है 2 times ऑफ माइनस 3 times ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 3 times ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कट के इससे ये कट जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा -2। एम आई करेक्ट, अगर मैं सही हूँ तो कैलकुलेशन सही है, अगर तो इसका आंसर -2 आना चाहिए, अदरवाइज एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग कि -2 या 2 आएगा। आपको फार्मूला क्या लगाना है, दोनों पक्षों का क्यूब कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पे आंसर गलत हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। कहा गया द वैल्यू ऑफ कॉस ए के प्लस कॉट ए प्लस 1 इंटू कॉस ए के माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए के इज इक्वल टू। अब अगर ऐसा कुछ दिया गया है और आपका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया, तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, ए बराबर रख दीजिएगा 45 अंश, 45 अंश अगर रख देंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि ये बचेगा कितना, ये आपका बचेगा कॉस एक 45 यानी कि √2 + 2 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर बचेगा √2 और -2√2, तो 2 वाला पद इससे कट जाएगा, यानी √2 × √2, तो 2 आंसर आ जाएगा। देखो ट्रेन का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। कहा गया ये ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट 60 km/h ओवरटेक्स अनदर ट्रेन वाई 225 meters लॉन्ग एंड कम्प्लीटली पासेज इट इन 72 seconds। इफ द ट्रेन हैड बीन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाती, दे वुड हैव पास्ड ईच अदर इन 18 seconds, यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती तो 18 सेकेंड में पार कर देती एक दूसरे को। अगर लेंथ ऑफ एक्स एंड स्पीड ऑफ वाई आर रिस्पेक्टिवली, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हैं और दूसरे की स्पीड को हम एक्स माने और पहले की चाल, पहले की, देखो मैं ट्रेन बनाए दे रहा हूँ, ये पहली ट्रेन है,
इसकी लंबाई एल मान ले रहे हो, इसकी स्पीड 60 है, और दूसरे की लंबाई 225 दी गई, इसकी स्पीड मान लो एक्स। कहा कि अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे, आपको पता है इनके द्वारा अगर पास करना है एक दूसरे को, तो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, एल प्लस 225। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड लेस होगी, चूँकि पहली वाली ओवरटेक करती है, यानी पहले वाले की चाल ज़्यादा होगी, तो पहले वाले में से घटेगी, यानी 60 - 6। और समय कितना लगता है, 72 सेकंड का, ये दिया गया। और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेना, ठीक है। दूसरे केस में क्या दिया गया है कि यल प्लस 225 अगर ये सेम डायरेक्शन में न जाके अपोजिट डायरेक्शन में जाती, तो इनकी स्पीड 60 + x हो जाती, और इसमें 5/18 से गुणा कर दीजिए मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, और ये बराबर दिया गया 18। तो आपसे कहा गया लेंथ ऑफ एक्स निकालना है, तो सबसे पहले लेंथ निकालने के लिए पहले तो स्पीड निकालो। स्पीड निकालने के लिए दोनों को भाग कर दो, तो 5/18 से 5/18 कट जाएगा, 60 + x ऊपर चले जाएगा, यानी 60 + x 60 - x बराबर आ जाएगा 1/4, ये तो आ जाएगा 4/1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 60 + x बराबर 240 - 4x, यानी कि 5x बराबर हो गया 240 - 60, यानी कि 180, यानी x बराबर आ गया 36, यानी कि चाल आ गई दूसरे की 36। अब एक ही ऑप्शन में 36 दिख रहा था तो आप यहीं से आंसर मार्क कर देते, लेकिन अगर आपसे ये 36 दो ऑप्शन में दिखता तब तो आपको लंबाई निकालनी पड़ती, तो 36 निकालने के लिए 60 - 36 घटेगा 24, 24 × 5/18 × 72, यानी एल प्लस 225 बराबर हो जाएगा 72 × 24 × 5/18, 18 × 72 = 96, 95 × 4 = 480 में से 225 घटेगा 255 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 25वां क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट भी होती है ख़त्म, इसके बाद बचेगी केवल और केवल तीसरी शिफ्ट, उसके एनालिसिस के साथ, उसके सोल्यूशन के साथ हम बहुत जल्द आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल क्वीन एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय हिंद।